नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लड़के एक नाबालिग लड़की के साथ सरेआम अभद्र व्यवहार कर रहे थे। वीडियो में लड़का नाबालिग लड़की को सरेआम धमकी दे रहा था और कह रहा था कि वो नाबालिग लड़की को कॉलेज गेट तक नहीं आने देगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया। लेकिन आज साध्वी प्राची शहीदों की नगरी शाहजहांपुर आई और साध्वी प्राची ने पीड़ित छात्रा के घर पहुंची, पीड़ित छात्रा की आपबीती सुनी। उसके बाद साध्वी प्राची ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिनप्पा से मुलाकात की और पुलिस अधीक्षक को बताया आरोपी इरफान ने करीब 60 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और आरोपी इरफान पर रासुका लगनी चाहिए और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और आरोपियों पर रासुका लगाई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। दिव्यांशी जो कि यहाँ पढ़ रही थी, कुछ कांग्रेस के गुंडों ने साजिश से उसके साथ में बदतमीजी की और वो उस घटना से दुखी है, डरी हुई है, सहमी हुई है। मैंने सारी बात कप्तान साहब से की है, उस लड़की को तुरंत सुरक्षा दी जाए, उस विद्यालय में सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इरफान ने लगभग 60 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। ये ऑन रिकॉर्ड है, पहले भी उसके ऊपर FIR हो चुकी है। आखिर अब तक जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, मैंने पूछा है कप्तान साहब क्यों गिरफ्तार नहीं हुए, किस नेता के संरक्षण में वो अपराधी पल रहे हैं, किस नेता का उसको संरक्षण है कि वो अपराध बढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर। इन पर तुरंत कार्रवाई हो, रासुका लगे और इनके उस कॉलेज के अंदर वो बच्चे घुस ना पाए, वो अपराधी घुस ना पाए किसी भी तरह से। जैसा कि और साथ में स्टाफ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो स्टाफ वहां पर उन अपराधियों के साथ हंस रहा है, खेल रहा है, उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये मांग, जैसा कि आपने कप्तान साहब से मांग की है, तो कप्तान साहब ने क्या कहा है अभी तक? उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा और मैंने 24 घंटे का टाइम भी दिया है, तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा कुछ और भी उग्र रूप धारण करना पड़ सकता है। जैसे कि हमारी मजबूरी है, जैसे कि आज आपने फिर मुलाकात की है, तो उसमें जो है क्या आपको ये मामला सामने संज्ञान में आया, कुछ बता सकती है? पीड़िता से मैं सबके सामने मिली हूँ, गई हूँ, उसके मम्मी से पापा से भी मिली हूँ। पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उसे बार बार जान से मारने की वो लोग धमकी दे रहे। जैसा कि आपने अभी बताया इरफान पे 60 और मामले हैं, तो उन पे आखिर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? मैंने यही पूछा, आखिर किस नेता के संरक्षण में वो अपराधी पल रहे हैं, क्यों इतना दबाव उनके लिए कि क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई? और नहीं हुई लेकिन अब जल्दी से जल्दी उस पर रासुका लगे और जल्दी से जल्दी भी कार्रवाई की जाए। तो अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की नजदीकी देखते हुए अलीगढ़ में होने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, वो उन्हें जीत का मंत्र देंगे। चुनाव को देखते हुए सभी बूथ कार्यकर्ताओं को आगामी रणनीति बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें सभी बूथों के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। ताला नगरी में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन 6 फरवरी को होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे संगठन मंत्री रामलाल जी का एक ही मंत्र है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पिछले 2 साल से बूथों पर काम कर रही है और हमारा यही अभियान रहेगा, हम बूथ के माध्यम से चुनाव जीतेंगे। जितने बहुमत से हम पिछली बार चुनाव जीते थे 2014 में, उससे और 25 सीटें हमारी ज्यादा आने वाली हैं। बड़ा लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं और यह उन्होंने नारा भी दिया है, अब की बार 400 के पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार, मोदी सरकार। यहाँ पर हमारे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में 14 जिलों के सरकारी जिलों के कार्यकर्ता आएंगे और 17 जिलों के हमारे जो इकाइयां हैं, अपनी संगठनात्मक इकाइयां हैं, उनके लोग आएंगे। 12 बजे वहां पर आएंगे और 12 बजे वह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, 14 ब्लॉक के अंदर वह कार्यक्रम होगा। पूर्ण रूप से यहाँ ताला नगरी, रामघाट रोड, अलीगढ़ के अंदर यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। तो बढ़ते आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पुलिस भले ही एनकाउंटर मोड पर काम कर रही हो लेकिन बदमाश बेकॉफ हो चुके हैं। मेरठ के 2 SP स्तर के अधिकारियों से रंगदारी की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस अधिकारियों को धमकी से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल शहर की सुरक्षा का भार संभालने वाली SP सिटी रणविजय सिंह और बड़े अपराधों पर खुलासा काम
करके खुलासा करने का दम भरने वाले एसपी क्राइम डॉक्टर बीपी अशोक को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस धमकी से मेरठ से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में नंबर की जानकारी संबंधित पुलिस थाने को दें और इसको किसी भी तरह से पैनिक मारने की आवश्यकता नहीं है, न घबराने की जरूरत है और परिवार में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार बच्चे और बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है और इस तरह के जो ऐप हैं उन ऐप के संबंध में जांच करके पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। आप एसपी हैं, किस तरीके से जांच होती है इसकी, मतलब उसका जांच का मॉड्यूल क्या होता है, कैसे ट्रैक होता है? सर्विलांस सेल को देते हैं, उस संबंध में जानकारी होती है कौन से ऐप का यूज़ किया गया है, किस कंट्री के कोड का यूज़ किया गया है और कौन लोग हो सकते हैं। पूरी तरह से प्रयास किया जाता है कि जानकारी हो जाए और जो करने वाला है कॉलर है वो वहाँ तक पहुँचे। देखिए, आज मॉर्निंग में एक सिरफिरे टाइप के व्यक्ति ने कॉल किया था और वो गाली गलौज कर रहा था और वो पिस्टल और एकदम चलाने की बात ही कर रहा था। वो लग रहा था कि कोई ना कोई या तो मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति है, उसकी बातें समझ में तो आ रही थी और लेकिन बाद में हम लोग जब नंबर पता किए तो शायद इंटरनेट कॉलिंग टाइप का होगा। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं से उसने इंटरनेट से वो नंबर लेकर के इंटरनेट से और वो कॉल कर दिया होगा। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं, हम लोग उस नंबर की जांच करा रहे हैं। तो अलीगढ़ लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पुलिस पार्टी मुस्लिम पार्टी एक साथ आई। मदना मुस्लिम पार्टी के जरिए महागठबंधन किया गया। इस गठबंधन का उद्देश्य मुस्लिमों को उनके हक को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर और जो भी राष्ट्रीय पार्टी इसका समर्थन करती है तो यह गठबंधन भी उसका पूर्ण साथ देगा। जातिवाद की राजनीति को देखते हुए मुस्लिम पार्टियों के जरिए कदम उठाया गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ भी महागठबंधन को मजबूती प्रदान करने में अपनी पूरी भागीदारी देंगे। कि मुसलमान सिर्फ सेल के लिए हैं, मुसलमानों को सिर्फ अपने सियासत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम अपने फ्रेंड से इस बात का जवाब देंगे और पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो भी मुसलमान हैं जिन लोगों को इस दरकिनार कर रहे हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये ओपन टू ऑल है। जो लोग इसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग इससे जुड़ सकते हैं और 12 तारीख को हम अगली मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें फ्रेंड का पूरा अनाउंसमेंट करेंगे। आज जो मीटिंग यूनियन की तरफ से बुलाई गई है इसका बुनियादी मकसद है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज पिछले 70 साल से जो डर और खौफ के नाम पर वोट लेती रही हैं, हम उस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं और अपने एजेंडे पे उनसे कंप्रोमाइज़ करेंगे। अगर वो हमारा एजेंडा कबूल नहीं करेंगे तो हम अपने बूते पर खुद चुनाव लड़ेंगे और समीकरण को बदलने का काम करेंगे। हम अब बीजेपी के डर से किसी को वोट नहीं देंगे। चंद रोज़ पहले सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था तब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उस वक्त पुरजोर मुखालफत करी थी उस गठबंधन की, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को साइड लाइन कर दिया और अपने गठबंधन में बिल्कुल एक बार भी जितनी भी मुस्लिम क़यादत वाली पार्टीज़ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार भी उनसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। अपना मैनिफेस्टो बनाने से पहले उनको ज़रूरी नहीं समझा। अपनी सीट्स भी 38-38 डिस्ट्रीब्यूट कर ली। उनका कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है फिर भी उनके लिए 2 सीट्स छोड़ दी और मुस्लिम क़यादत के लिए उन्होंने एक भी सीट नहीं छोड़ी। और आज से 70 साल हो गया है, कांग्रेस की भी सरकार आई, सपा की सरकार भी आई, बसपा की भी आई, बीजेपी की भी आई। अगर आप उठा के आंकड़े देखिए तो मुसलमान कहाँ पर है आज, मुसलमान की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। और आज हमारी स्टूडेंट्स यूनियन AMU ने हम सब पार्टीज़ को, जो मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियाँ थीं उनको बुलाया गया और इस बात के ऊपर हम लोग बैठ करके ये मंथन करते रहे कि ये जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है मुसलमानों के साथ, खास करके कि मायावती जिनके साथ हमने बड़ा एहसान किया विधानसभा इलेक्शन में, हमने अपने सारे कैंडिडेट उलमा काउंसिल ने सारे वापस लिए और उनको सपोर्ट किया और उनको सीटें दिलाईं। अखिलेश यादव के साथ मुसलमान जुड़ा हुआ था, अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन करके अपने अपने जाति मफाद के लिए और सियासी मफाद के लिए गठबंधन करके हम लोगों को एक किनारे कर दिया। इसी तरह कांग्रेस ने भी मुसलमानों के साथ हमेशा पूरी जिंदगी 70 साल के अंदर जितनी भी इलेक्शंस लड़े सब मुसलमानों के साथ उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन आज मुसलमानों की सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। लोग कर रहे थे मोर्चे की, ऑलरेडी एक मोर्चा बनाया है हमने, ऑलरेडी हमने एक मोर्चा बना रखा है इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट के नाम से। ये ऑलरेडी लगभग भारत की बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों को मिला करके एक मोर्चा हमने दिल्ली में बनाया हुआ है जो उस पर काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है,
इंडिया में बहुत सारे रीजनल पार्टीज हैं जिनका मुद्दा नेशनल मुद्दा नहीं बन पाता है, उनको हमने एक जगह ऑलरेडी जोड़ रखा है। यूनियन ने बहुत अच्छा काम किया है जो हम लोगों को इन्विटेशन दिया है और हम उनके बुलावे पे यहाँ आए हैं। जहाँ तक हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारा ऐसा सेक्शन है जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि इंडिया में और खासकर यूपी में जो डेमोक्रेसी है उसको प्लूटोक्रेसी में तब्दील कर दिया गया है। प्लूटोक्रेसी एक ऐसा फिनोमेना है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन प्लूटोक्रेसी की जद में इस वक्त यूएसए आया हुआ है और अदर यूरोपियन कंट्रीज भी प्लूटोक्रेसी में, और सेम पैटर्न पे उत्तर प्रदेश में भी काम हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाएगा तो मुसलमानों की जो लगभग आबादी है वो 20-22% है। उसके अलावा अदर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जैसा मैं आपको एकदम कास्ट वाइज नाम बताना चाहता हूँ। यहाँ भंगी समाज एक है, भंगी समाज का कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो बाय एंड लार्ज भाजपा को वोट देता है लेकिन उसका अपना कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और से नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी, अदर दलित के अदर मार्जिनलाइज सेक्शन जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, वो एक साथ आएँ और आने के बाद में एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बने जो आने वाले समय में बनेगा। तो कुंभ में कल मौनी अमावस्या स्नान पर्व है जो सबसे बड़ा स्नान पर्व माना जाता है, तो वहीं कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर मौनी अमावस्या के पर्व पर प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन ने 4 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया है और साथ में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में नहावन होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मौनी अमावस्या के पर्व पर मकर राशि में 4 ग्रहों की युति विशेष फलदायी है। मौनी अमावस्या का अमृतमय स्नान मकर राशि में सूर्य चंद्र बुध केतु इन 4 ग्रहों के सानिध्य में होगा। तो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा कहे जाने वाले बुलंदशहर में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बदमाश एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों ने एक बार फिर एक व्यापारी को लूट का शिकार बनाया। दरअसल घटना बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर रोड की है, जहां अपने बेटे के साथ घर से 4 लाख रुपए लेकर मंडी के लिए निकले व्यापारी से 2 बाइक सवार 4 हथियार बंद बदमाशों ने हथियारों के बल पर 4 लाख की नकदी लूट ली और घटना को अंजाम देकर बदमाश बहुत ही आसानी से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अपनी जांच शुरू कर दी और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी कही। हम घर से 10 बजे निकले थे, मंडी जा रहे थे और दादा पर्दा स्कूल के पास में एक मोटरसाइकिल लग रही थी, एक मोटरसाइकिल को हमारे आगे लगा दी उसने हमें मतलब इकट्ठा दिखा दिया। मोटरसाइकिल नीचे गई और जब उसने कहा कि डिग्गी पैसे निकालो, उसने पैसे लेकर चला गया। हमने सके हमारे को मुकदमा इनका दर्ज किया जा रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। जल्दी इस घटना का हम लोग सितारगंज के वार्ड 11 की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल महिला नेहा ने रात को सीएचसी अस्पताल में एक पुत्री को जन्म दिया, जिसके बाद सुबह 8 बजे नेहा के ससुराल वाले अस्पताल में बिना किसी को बताए नेहा को अस्पताल से ले गए। साथ ही 10 बजे नेहा के ससुराली उसे मरणासन्न हालत में अस्पताल लाए, वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने नेहा की ससुराली और अस्पताल के कर्मियों का बयान लिया। पुलिस ने नेहा के पति से पूछताछ करने के लिए उसको हिरासत में लिया है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।